दोस्तों डॉक्टर विलास खरात ने कहा कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नीचे खुदाई में 3 मंजिला बुद्ध विहार है और यह खबर होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस खबर को पब्लिश नहीं होने दिया और सन 2017 में इस मैटर को दबा दिया गया। लेकिन साल 2020 में वो 32 पेज वाली रिपोर्ट लीक हो ही गई और इस सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी की पोल खुल गई। सोमनाथ मंदिर भी बुद्ध विहार है और यहाँ पत्थर के टुकड़े भी है, इससे यह साबित हो गया कि सोमनाथ मंदिर भी बुद्ध विहार है। दोस्तों यह मोदी जी ने दिए हुए सर्वेक्षण के आर्डर पर खुलासा हुआ, एक तरह से अच्छा ही हुआ। मोदी जी ने सर्वेक्षण करने के लिए कहा और लगा होगा कि यहाँ कुछ और ही मिलेगा, लेकिन निकले बुद्ध के अवशेष। अब विलास खरात इसे जोर शोर से पूरे गुजरात और पूरे भारत में इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट का वायरल खुलासा कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक इसलिए कीजिए कि एक सबसे बड़ा बौद्ध विहार गुजरात में मिला है और जिसके अवशेष IIT और आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने GPR सिस्टम से ढूंढ निकाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इंडिया मतलब पूरा जम्बूद्वीप बुद्ध की धरती है, इसलिए तो मोदी जी भारत से बाहर बौद्ध राष्ट्र जाते हैं तो उस बौद्ध राष्ट्र में कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अभी हाल ही में नीता अंबानी न्यूयॉर्क गई थी तो क्या कहा था पता ही होगा, आपको नहीं पता तो देख लीजिए। गुड इवनिंग, नमस्कार। आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। अच्छा जी। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर एंट्वाइंड विद इंडियन ईथॉस। अब आपको मेन खबर पर ले चलते हैं। दोस्तों यह सब जब बौद्ध राष्ट्र जाते हैं तो सिर्फ बुद्ध ही क्यों बताते हैं, तो सच यह है कि यह देश बुद्ध का है। दोस्तों डॉक्टर विलास खरात ने कहा कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नीचे खुदाई में 3 मंजिला बुद्ध विहार है और यह खबर होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस खबर को पब्लिश नहीं होने दिया और सन 2017 में इस मैटर को दबा दिया गया। लेकिन साल 2020 में वो 32 पेज वाली रिपोर्ट लीक हो ही गई और इस सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी की पोल खुल गई। दोस्तों विलास खरात ने अब मोदी जी को कोर्ट में घसीटने का दावा किया है। दोस्तों इस देश में मुस्लिम आक्रांताओं ने इतनी बार मंदिर तोड़ा, ऐसा तोड़ा, इतनी बार सोना लूटा, ये जो प्रचार कुछ लोगों द्वारा किया जाता रहा है क्योंकि देश के लोगों से बुद्ध की सच्चाई छुपाने के लिए। जिन लोगों ने यह झूठा प्रचार प्रसार किया उन्हें लगा कि अब गुजरात में हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया जाए, उस सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है यह ढूंढा जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्डर दिया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे खुदाई किए बगैर जो साइंटिफिक मेथड GPR सर्वे रडार सिस्टम है उसके द्वारा वहाँ का सर्वेक्षण किया जाए, इसके नीचे जमीन के नीचे क्या है यह सर्वेक्षण किया जाए, और किया भी गया। सर्वेक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए लिए गए और वो कौन लोग थे, गांधीनगर IIT के एक्सपर्ट साइंटिस्ट लोग और आर्कोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट थे। जब मोदी जी ने पूछा सोमनाथ के सर्वेक्षण में आपको क्या मिला तो उन्होंने कहा कि आप जो ढूंढ रहे हो वो नहीं मिला। तो इस सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला है, यह 32 पेज की रिपोर्ट है और इस खबर को गुजरात समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, देश के पूरे अखबार ने, जागरण, हिंदुस्तान, भास्कर सभी ने हेडिंग में छापा है कि GPR सर्वे किए गए सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला है। इस रिपोर्ट को सोमनाथ मंदिर को सार्वजनिक करना चाहिए, वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं। विलास खरात जी ने 32 पेज की रिपोर्ट में बताया है कि उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि हमने चारों जगहों पर उत्खनन किया है, वहाँ सर्वेक्षण किया है और हमें प्राचीन अवशेष की जानकारी मिली है। साइट क्रमांक 4 पर हमें बड़े अवशेषों के सिग्नल मिले हैं जहाँ पर प्राचीन बौद्ध अवशेष और रचनाओं के प्रमाण मिलते हैं और रिपोर्ट में बताया है कि अंदर गुफाओं का प्रतीक है, उसके दोनों बाजुओं में गुफाओं को जोड़ने वाले 2 छोर है, ये संरचना वास्तव में एक गुफा से दूसरी गुफा की तरफ ले जाने वाला पैदल रास्ता है। इस स्थल पर अनेक परिवर्तित प्रकाश किरण जांच के दौरान मिले हैं जिससे हम ये अनुमान निकाल सकते हैं कि 2 गुफाओं को जोड़ने वाले रास्ते के बजाय यहाँ एक सुरंग भी हो सकती है।
यह संपूर्ण निरीक्षण को साइड नंबर 4 में दिखाया है। डॉक्टर विलास खरात ने इस संपूर्ण रिपोर्ट को हमें बताया है और आगे बताया कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। तो साथियों, इस रिपोर्ट में ये कहा है कि सोमनाथ मंदिर के आसपास के प्रभात क्षेत्र में जमीन के नीचे क्या अवशेष मिले हुए हैं और दबे हुए हैं, ये जानने के लिए भविष्य में उत्खनन करने के लिए GPR सर्वे किया और 4 जगहों पर हमने इसको ढूंढा। हमें अंदर एक दीवार की अवशेष रेखा मिली है और हमें पुरातात्विक संरचनाएं भी मिली है। यहाँ सभी अवशेष हमें साइड नंबर 1-2 के अंदर मिले हैं। साइड नंबर 3 के अंदर भी बौद्ध अवशेष मिले हैं। यह संरचना 2 गुफाओं के मुंह को जोड़ती है, इसलिए यह संरचना रास्ता या एक सुरंग हो सकती है। साइड क्रमांक 4 पर जमीन के नीचे कुछ भिन्न भिन्न बिखरे वस्तुओं के परिवर्तित किरण जांच में मिले। इससे यह पता चलता है कि यह मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के आकृतियाँ वाले पवित्र अवशेष मतलब शरीर धातु अस्थि कलश है और यहाँ पत्थर के टुकड़े भी है। इससे यह साबित हो गया कि सोमनाथ मंदिर भी बुद्ध विहार है। दोस्तों, यह मोदी जी ने दिए हुए सर्वेक्षण के आर्डर पर खुलासा हुआ। एक तरह से अच्छा ही हुआ, मोदी जी ने सर्वेक्षण करने के लिए कहा और लगा होगा कि यहाँ कुछ और ही मिलेगा, लेकिन निकले बुद्ध के अवशेष। अब विलास खरात इसे जोर शोर से पूरे गुजरात और पूरे भारत में इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट का वायरल खुलासा कर रहे हैं। और दोस्तों, इस देश में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप और विहार बनवाए थे, वहाँ कहाँ गए हैं, इसको ढूंढना होगा। हमने भी नागपुर के आसपास बहुत सी जगह यह ढूंढकर प्राचीन विहार और स्तूप तथा गुफाएँ ढूंढी है। आप भी हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक इसलिए कीजिए कि एक सबसे बड़ा बौद्ध विहार गुजरात में मिला है और जिसके अवशेष IIT और आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने GPR सिस्टम से ढूंढ निकाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।